चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही विदिशा से, आपको बता दें गंज बासोदा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पूर्व स्टेशन अधीक्षक के मोबाइल पर मैसेज के द्वारा मिली है यह धमकी। जीआरपी आरपीएफ मामले की जांच में जुटी है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गया। मनोज, गंज बासोदा स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। ये यहाँ पर गंज बासोदा स्टेशन पर पूर्व में स्टेशन अधीक्षक रहे राकेश भारद्वाज, उनके मोबाइल पर आज ये मैसेज आया है कि कल बम को गंज बासोदा स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा। वो तुरंत यहाँ रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक पाल हैं उनके पास पहुंचे और उनको पूरी बात बताई, तो यहाँ पर आरपीएफ जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं भी यहाँ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है सर जी। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ बयान सामने आया है जिम्मेदार अधिकारियों का? जी जी, अभी मैंने आरपीएफ के इंचार्ज से बात की तो उनका यह कहना था कि स्टेशन अधीक्षक जो पूर्व में राकेश भारद्वाज, उन्होंने आवेदन दिया है, उनके मोबाइल पर यह मैसेज आया है। साइबर क्राइम की टीम भी यहाँ पर आ पहुंची है, उस जिस नंबर से ये फोन आया उसकी जांच चल रही है और पूरी टीम यहाँ पर स्टेशन पर मौजूद है। मामले को गंभीरता से लेकर सभी अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शरारती तत्वों का काम हो किसी का? जी जी, मैंने स्टेशन अधीक्षक पाल से इस बारे में पूछा तो उन्हें कहना था हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहते पुलिस अधिकारी। और तीनों आरपीएफ जीआरपी और स्थानीय पुलिस कोतवाली थाने की टीम यहाँ पर मौजूद है और जांच में जुटी हुई है। चलिए मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।